हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू शिखा क्लासेस। आई होप एवरीवन इज वेरी फाइन और पढ़ने के लिए है बिल्कुल तैयार। तो आज की क्लास में हम रीड करेंगे और सुनेंगे साथ साथ एक स्टोरी, द स्कॉलर्स मदर टंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमेडी स्टोरी है। इसको रीड करने के लिए आप क्लास 4 एनसीईआरटी इंग्लिश मेरी गोल्ड में से रीड कर सकते हैं साथ साथ। तो चलिए स्टोरी सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए पढ़ाई के अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि सीखने पढ़ने से ही असल में खुशी बढ़ती है, और जब आप सीखते जाते हैं तो आपके आसपास के लोग भी आपसे खुश रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई, द स्कॉलर्स मदर टंग, और इसका अर्थ है विद्वान की मातृभाषा, विद्वान की असली भाषा के बारे में कहानी है। अ लर्नड पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. तो एक बार की बात है, एक बहुत विद्वान पंडित विजिट किया उन्होंने कहां पर, अकबर के दरबार में, और उन्होंने राजा से कहा और दरबारियों से भी कि उनकी मास्टरी है, बहुत सारी भाषाओं पर मास्टरी है, यानी कि वो बहुत सारी भाषाएं बोलना समझना जानते हैं। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट व्हाट हिज मदर टंग वॉज। अब जो पंडित थे यानी जो विद्वान थे, वो बहुत सारी भाषाएं फ्लुएंटली यानी तेजी से बहुत अच्छे तरीके से बोल लेते थे। जैसे कि सभी लोग होते हैं ना, आपके साथ भी होता होगा कि कुछ भाषाएं समझ में आती हैं, हल्की फुल्की बोल भी लेते हैं, लेकिन फ्लुएंटली बहुत तेजी से वो फटाफट सारी भाषाओं को बोल लिया करते थे। और वो इतने फ्लुएंट थे हर भाषा में कि आपको पता ही नहीं लगता था कि उनकी असली जो मदर टंग है, मातृभाषा जो है, वो जो उनकी रियल भाषा है वो क्या है। He challenged everybody at the court to name his mother tongue. उन्होंने क्या किया, चैलेंज किया दरबार में कि मेरी जो मातृभाषा है वो आप लोग पता लगाकर बताओ। When everyone failed, the challenge was taken up by Birbal. जब सब फेल हो गए यानी कोई भी नहीं बता पाया, तो चैलेंज किसने लिया, बीरबल ने। बीरबल की कहानियां तो आपने और भी सुनी होंगी, अकबर और बीरबल की, कि बीरबल कितने चतुर थे। उनके पास हर प्रॉब्लम का, हर समस्या का हल वो चुटकियों में निकाल लेते थे। हर मुश्किल सवाल उनके लिए बहुत आसान होता था। दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम व्हेन ही वॉज अस्लीप। उस रात क्या हुआ, बीरबल चुपचाप पंडित के कमरे में गए, कब, जब वो सो रहा था। ही विस्पर्ड इन टू द पंडित्स ईयर एंड टिकल्ड इट विद अ फेदर। उन्होंने उसके कानों में कुछ फुसफुसाया, विस्पर किया, और साथ ही साथ उनको टिकल किया गुदगुदी की एक पंख से, एक फेदर लेकर के उनको सोते हुए गुदगुदी करी। द पंडित हाफ अवेक क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग। अब पंडित जो थे नींद में थे, आधे उठे एकदम से और जोर से चिल्लाए अचानक, और कौन सी भाषा में चिल्लाया, वो अपनी मदर टंग में यानी अपनी मातृभाषा में। बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित्स मदर टंग वाज तेलुगु। द पंडित वाज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द ट्रुथ। अब अगली सुबह क्या हुआ, दरबार में बीरबल आए और उन्होंने सबको बताया कि जो पंडित हैं उनकी मदर टंग, उनकी मातृभाषा क्या है, तेलुगु है। जो पंडित थे वो सरप्राइज हो गए, लेकिन उन्होंने सच को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि हाँ मेरी मातृभाषा तेलुगु है। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल हाउ डिड यू फाइंड द ट्रुथ। अब जो अकबर थे, महाराज अकबर, उन्होंने बीरबल से पूछा कि तुमने सच का पता कैसे लगाया। बीरबल आंसर्ड, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। बीरबल ने कहा कि जब मुश्किल घड़ी आती है ना, तो उस समय इंसान केवल अपनी मदर टंग ही बोलता है। जैसे होता है ना, मुश्किल होते हुए माँ की याद आती है, मम्मी की याद आती है, उसी तरह जब बोलना होता है तो मातृभाषा की याद आती है। He also told the king how he had gone to the pandit's room at night to find out the truth. उन्होंने ये भी बताया बीरबल ने कि किस तरह से वो रात को पंडित के कमरे में गए और कैसे उन्होंने सच का पता लगाया। तो ये प्यारी सी छोटी सी इंटरेस्टिंग बिटी स्टोरी हमने कहां से ली है, दिस इज एडप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बीरबल स्टोरीज। अकबर और बीरबल की आपने और भी बहुत स्टोरीज सुनी होंगी, ये वैसी ही एक छोटी सी कहानी है। तो ये देखिए, यहाँ पर उसको एक फेदर से टिकल कर रहे हैं बीरबल पंडित जी को। मुझे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, आई होप आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग और फनी लगी होगी। आप भी कोशिश कर सकते हैं इस तरह से, अगर कोई पजल हो तो
तो किसी से सच निकलवाने के लिए, लेकिन ध्यान से कहीं सामने वाला ज्यादा न चिढ़ जाए। चलिए ये तो हुई मजाक की बात। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर स्टडी रिलेटेड वीडियोस। कमेंट्स में जरूर बताइए आपने आपको स्टोरी कैसी लगी, और साथ ही साथ आप पढ़ाई के और कौन से वीडियोस को देखना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में शेयर करिए। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।